अमेठी जिले में पांचवे चरण में आगामी 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। तो इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद के तिलोई तहसील और विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत राजभवन के पीछे मैदान में पहुंचे, जहां पर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री से जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की भी अपील की। सीएम ने अमेठी की जनता को बधाई देते हुए कहा कि तिलोई में मेडिकल कॉलेज मिला है, जिसका हम लोगों ने बकायदा शिलान्यास किया। अब यहां के युवाओं को डॉक्टर बनने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और वो यहीं पर डॉक्टर बनेगा। इस सपने को आपके विधायक और आपके सांसद ने ही साकार किया है। इस मेडिकल कॉलेज की सौगात समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन उनका तो यह विजन ही नहीं था। सूबे के मुखिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा को वोट देने का मतलब आतंकवादियों को पोषित और पल्लवित करना है। इनको वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने जैसा है। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि आतंकवाद का परिवार समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का हाथ आखिर क्यों आतंकवादियों के साथ है? होता बल्कि किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप से मुक्त भी रहता। वोट बैंक बनने की जो एक तमन्ना है वह उनकी प्रगति में बाधक रहा है, और मुझे लगता है कि जब मैं आज तिलोई में आया हूं तो हमें उस सच को स्वीकार करना होगा जो सत्य वास्तव में सदैव हम सब के विकास में बाधक रहा है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले और 2017 के बाद प्रदेश में क्या परिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज तिलोई की जनता को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने 2017 में जिन्हें अपना प्रतिनिधि चुना था, आज उनके प्रयासों से आपके तिलोई में आज एक मेडिकल कॉलेज भी मिल गया है, और उस मेडिकल कॉलेज का हम लोगों ने यहां पर बकायदा शिलान्यास भी किया। प्रदेश और केंद्र में भी भाजपा है, इसलिए डबल इंजन की सरकार है, जिसका मतलब है कि राशन भी डबल डोज मिलता है। महीने में दो बार राशन मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के। सपा बसपा की अगर सरकार होती तो उनके गुर्गे ही सारा राशन खा जाते। जो दाल मिल रही है वो ब्लैक हो जाती, तेल को ये लोग स्वयं पी जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बसपा की सरकार होती तो बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि सभी का राशन अकेले ही खा जाती। भैया बहनों, ये मेडिकल कॉलेज की सौगात समाजवादी पार्टी भी दे सकती थी, लेकिन उसके पास विकास का विजन नहीं था। समाजवादी पार्टी अपने एक अलग ही एजेंडे को लेकर चलती है। उनका एजेंडा ही एक अलग है, उसमें विकास की नहीं, सुख और समृद्धि की नहीं, लोक कल्याण का नहीं, गरीब कल्याण का नहीं, नौजवानों के रोजगार का नहीं, किसानों के उत्थान का नहीं और बेटियों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के एजेंडे में कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेठी की चारों सीटों पर भाजपा आवश्यक है, इसके लिए तिलोई में मनकेश्वर चरण सिंह का जीतना भी और भारी मतों से जितवाना भी आवश्यक है। यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। जायज है, मुझे गोरखनाथ का मंदिर बनवाना है, सपा का विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल, और हमारा कार्य है मंदिरों का सुंदरीकरण और विकास करवाना। जीतना और भारी मतों से जीतना आवश्यक है, इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे पास पैसा कहां से आ रहा है? सपा बसपा कांग्रेस को लोग परेशान है,
कि सरकार तो वही, यानी प्रशासन वही, प्रदेश वही, भाजपा आई तो पैसा ही पैसा। उनके समय में पैसे का टोटा रहता था, हर जगह घोटाला होता था, गरीब को राशन नहीं मिलता था, दवा नहीं मिलती थी, विकास नहीं होता था, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगता था। तो मुझे एक दिन समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता मिले, उन्होंने कहा कैसे आपके पास पैसा आता है। मैंने कहा आप देखो, तुमने विकास कहीं कराया? उन्होंने कहा हां कराया है। मैंने कहा कहां कराए हो? तो मुझे बहस करने लगे, कहे कि आपने अयोध्या में राम मंदिर बना दिया तो कौन बड़ी बात कर दी। मैंने कहा भी बड़ी बात है, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम को भव्य मंदिर के निर्माण का काम हो रहा है। अमेठी से आदित्य तिवारी, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।